फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल इन जिप्स क्रिएशन। ऐसा स्टोरेज बैग बनाने के लिए ये फैब्रिक और लाइनिंग है और इसी की साइज़ की जिप ली है और जिप के साइज़ की ही मैंने दो पाइपिंग ली है। अब ये दोनों पाइपिंग मैंने कट नहीं की इसलिए दोनों एक साथ ही है, लेकिन इसी के साइज़ के अगर आपके पास जैसे टुकड़ा है तो कोई इसी कपड़े का, तो आप इससे इसी साइज़ के दो टुकड़े ले सकते हैं। मैंने पाइपिंग मतलब पाइपिंग भी लेस ली है, मेरे पास कोई लेस थी उसी को यूज़ कर रही हूँ। और ये लाइनिंग मैंने यूज़ की है, आप इसके फॉर्म और लाइनिंग दोनों यूज़ कर सकते हो। मैंने सिर्फ ये नॉन वोवन फैब्रिक ही यूज़ किया है जिससे मुझे इसमें फॉर्म की ज़रूरत नहीं है। आप अगर इसको फॉर्म डाल के और मजबूत बनाना चाहते हो तो आप इसमें फॉर्म का भी यूज़ कर सकते हो। इसकी जो लेंथ और जो विड्थ है वो 16x32 है, हमें 16x32 इंच का लेना है। अब हमें इसको फैब्रिक को लाइनिंग के ऊपर सेट करते हुए हम इसको चारों तरफ से इसको स्टिच कर लेंगे। स्टिच करने के बाद हमें इसमें जो इसकी विड्थ है उस विड्थ की साइड से हमें इस पाइपिंग को यूज़ करना है। इस पाइपिंग को पहले हमें एक साइड यहाँ पर पहले स्टिच करना है। स्टिच करने के बाद हम इसको इस तरीके से एक फोल्ड और कर देंगे। अब इसमें मुझे डबल फोल्ड करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये लेस है, तो मैंने इसको एक बार ही फोल्ड किया है। अगर आपका कोई फैब्रिक है तो आप इसको दोनों साइड फोल्ड कर सकते हो। ये देखिए, मैंने इसको पाइपिंग को दोनों साइड लगा ली है। अब हमें इसको जिप लेनी है। जिप भी मैंने इसकी विड्थ की ली है, तो हमें इसको पाइपिंग को इसके जिप के ऊपर रख कर एक स्टिच लगा लेंगे। सीधे यहाँ स्टिच लगा लेंगे और जो दूसरी साइड जो हमने पाइपिंग लगाई थी उसको भी इस तरीके से ऊपर रखते हुए हम इसको स्टिच कर लेंगे। नीचे वाले फैब्रिक में स्टिच नहीं करना है। आप चाहो तो दोनों जिप को अलग करके भी स्टिच कर सकते हो, वरना इसमें इसकी जो विड्थ ज़्यादा है तो हमें इसको अलग करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा हम इसको स्टिच कर सकते हैं। हमें जो ये जिप है, इस जिप को हमें ऊपर की साइड रख खोलते हुए उसको हम देखेंगे। बाद में जब ऊपर का हम पार्ट तैयार करेंगे तब हमें ध्यान रखना है कि जिप को ऊपर की साइड और नीचे की तरफ खुलते हुए लेना है। अब हम इसको बीच में से सेंटर मार्क लगा लेंगे इस तरीके से। और उसके बाद पहले हमने जिप को साइड में करके सेंटर मार्क लगाया था, अब इस जिप को इस सेंटर मार्क से मिलाते हुए हम इसको वहाँ साइड से भी हम इसको कर लेंगे, साइड से भी मतलब मार्क कर लेंगे। देखिए, मैंने दोनों जिप को दोनों मार्क से मिला लिया है। अब हमें इसके चारों कॉर्नर में इस तरीके से कट लगा के इसके मार्क लगा लेने ताकि हमें पता लग जाएगा इनका सेंटर पॉइंट कौन सा है। अब हमें इस सेंटर पॉइंट को जो हमारे जिप वाला सेंटर पॉइंट है उस जिप वाले सेंटर पॉइंट से मिलाएंगे और बाकी फैब्रिक को हम वापस जिस तरीके से प्लीट्स लगाते हैं उस तरीके से प्लीट्स लगाते हुए फोल्ड कर लेंगे और इस दूसरी साइड भी कर लेंगे। दोनों जहाँ भी कट थे उन दोनों कट को उस मिलाते हुए हमें इसको स्टिच कर लेना है। ये जिस तरीके से हम प्लीट्स लगाते हैं उसी तरह इसको हम ऐड कर लेंगे। बस हमें जहाँ जहाँ हमने कट लगाए थे बस उन कट को ही मिलाना है और कुछ भी नहीं कटना। कट मिलाने के बाद ये अपना हब सेट हो जाएगा। इसी तरह हमें दूसरी साइड भी इसी को फोल्ड कर लेंगे। इसमें भी पहले हम इस साइड पिनअप कर लेते हैं जिससे हमारा ये प्लीट्स हमारी खुले नहीं, ना ही इधर उधर कहीं इसके सेट जो हमने किया है वो ख़राब हो। देखिए, हमने इसको ऊपर और नीचे दोनों तरफ पिनअप कर लिया है। अब हम इसको दूसरी तरफ भी इसी तरह फोल्ड करेंगे। इसमें भी जहाँ भी हमने ये कट लगाए थे बस उन कट को मिलाना है। ये इस तरीके से कट मिलाया है और जो भी ऊपर का पार्ट हमने किया था उसको हम इस तरीके से बस फोल्ड कर देंगे। ये देखिए, हमारा ये प्लीट्स बन के पूरी तैयार हो चुकी है इसमें। और इसको हम इस तरीके से प्रेस करते हुए सेट कर लेंगे। अब हमें इसमें भी हम साइड में जहाँ रहा था वहाँ भी पिनअप कर लेंगे और हमें बस चैन का जो हमने लगाई है उसका ध्यान रखना है कि वो ऊपर की साइड ही रहे। अब हमें यहाँ पर 3.5 इंच पे मार्क्स लगा लेंगे और विड्थ की साइड से हमें इसमें 2 इंच पे एक मार्क लगा लेंगे। और यहाँ पर 2 इंच पे मार्क लगाने के बाद हम यहाँ पर एक हल्का छोटा सा बॉक्स बना लेंगे जिसे हम यहाँ पर वेलक्रो लगाएंगे। आप यहाँ पर चाहो तो कोई भी बटन वगैरह भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पर ये वेलक्रो यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास वेलक्रो ना हो तो आप कोई भी अपनी इच्छा के अनुसार बटन वगैरह या जो भी आपके पास हो वो यूज़ कर सकते हो। इस तरीके से यहाँ पर हम इसको दो पार्ट को एक पार्ट को खोलते हुए हम इस तरीके से यहाँ पर लगा लेंगे। और उन दोनों पार्ट्स को बाद में यूज़ करेंगे।
इन वलक्रों को यूज़ करने के लिए पहले हमें इसको मतलब सिंगल पीस पे लगाना है, हम इसमें प्लीट्स लगाने के ऊपर नहीं लगाना। प्लीट्स हमने पहले इसलिए लगाए थे ताकि हम इसका मेज़रमेंट ले सकें। नीचे की पिनअप हमें नहीं खोलनी है, सिर्फ ऊपर की पिनअप वापस खोलकर हम इसको पहले वलक्रों को यूज़ कर लेंगे। वलक्रों को यूज़ करने के बाद हम इसको वापस उसी साइड जिस तरीके से पिनअप किया था वापस उसी तरीके से पिनअप कर लेंगे। ये हम कर लेंगे। उसके बाद हमें एक पीस लेना है जो 8x9 इंच का है, साथ में हमने लाइनिंग भी ली है। इसको लाइनिंग को लेते हुए हम पहले हमें जो ऊपर फैब्रिक लिया था उसमें हम इस तरीके से ये लेस लगाएंगे। आपके पास अगर कोई भी जिगजैक वाली है या कोई और कोई भी इस टाइप की लेस है तो आप उसका यूज़ कर सकते हो। मेरे पास इस सूट की बची हुई लेस है तो मैं उसी का यूज़ कर रही हूँ। हम इसको इस तरीके से 3 साइड से हम इसको लेस को लगा लेंगे यहाँ पर। ये इस तरीके से यहाँ स्टिच कर लेंगे। स्टिच करने के बाद जो लाइनिंग है उस लाइनिंग को हम उसी के लेस के ऊपर हम स्टिच कर लेंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, एक पीस और लेना है। ये 8x8 इंच का लिया है मैंने, 8x8 इंच का है। इसको भी हम चारों तरफ से इसको स्टिच करके लाइनिंग को इसमें ऐड कर लेंगे। देखिए मैंने इसमें भी वेलक्रो यूज़ को लगा दिया है, वेलक्रो को। अब उसके बाद वापस हमें जहाँ पर हमने इसको पिनअप किया था अब उसी तरह हम पिनअप कर लेंगे। अब ये आराम से हो जाएगा क्योंकि हमने उसको हाथ से प्रेस करके पिनअप किया था तो ये वापस सेट हो चुका है एक बार में ही। बस एक बार स्टार्टिंग में हम जब इसको लगाते हैं तभी थोड़ी दिक्कत आती है, बाकी उसके बाद नहीं आएगी क्योंकि हमने इसको पहले से ही सेट करके रखा था। देखिए मैंने वापस इसको यहाँ पर पिनअप लगा दी है। अब पिनअप लगाने के बाद ये जो हमने 8x9 इंच का और जो 8x8 के 2 पीस लिए थे उनको भी हमने रेडी कर लिया है। ये देखिए मैंने इसको सीधा किया है। सीधा करने के बाद हमारी लेस ये कुछ इस तरीके से दिखेगी। ये देखिए लेस दिख गई है, लेस भी साइड में से बन के तैयार है। मैंने रेड पाइपिंग लगाई थी इसलिए इसमें रेड कलर की लेस ली है। आप अपने अच्छे अनुसार कोई भी स्टिच ले सकते हो। अब यहाँ पर हमें ये टॉप स्टिच करना है। टॉप स्टिच करने के बाद हमें साथ में जो वेलक्रो वहाँ यूज़ किया था ये भी वेलक्रो यूज़ करना है। वेलक्रो यूज़ करने के लिए एक बार हम देख लेते हैं कहाँ पर वेलक्रो लगाना है। हम इसको यहाँ पर इस तरीके से फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के लिए वेलक्रो हमारा यहाँ पर सेट होगा तो जहाँ भी कहीं भी सेट होगा उसके अकॉर्डिंग हम वेलक्रो को यहाँ लगा लेंगे। हमें यहाँ पर एक स्टिच यहाँ स्टिच कर लेना है जिसे हम देखिए वेलक्रो यहाँ लगा लिया है और यहाँ पर ही अपर स्टिच भी कर लिया है एक। अब हमें पिनअप का कोई यूज़ नहीं है। अब हम पिन यहाँ हटा देंगे इसमें से। अब हमें जो पार्ट तैयार किया था उस पार्ट को हमें इस तरीके से ऊपर रखना है, सीधे पार्ट पे हमें रखना है। फिर हम इसको यहाँ से स्टिच करेंगे, स्टिच के वहाँ से फोल्ड करेंगे तो ये इस तरीके से घूम के ऊपर आ जाएगा। बस ये ध्यान रखना है हमें इसको सीधे पे स्टिच करना है। यहाँ पर स्टिच कर लेंगे। स्टिच करने के बाद हम ऊपर उसमें पाइपिंग भी लगा लेंगे। देखिए मैंने इसको स्टिच कर लिया, अभी पाइपिंग नहीं लगाई मैं, उसके मैं बाद में पाइपिंग लगा लूँगी। और इस तरीके से ये यहाँ से ये देखो इस तरीके से ऊपर का पार्ट तैयार हो गया है। अब हमें नीचे पार्ट को लेना है। नीचे वाले पार्ट के चारों कॉर्नर पर हमें मार्क लगा लेना है। इस तरीके से मार्क लगा लेंगे। उसके बाद हम यहाँ से ये पिन ये भी हटा देंगे। पिन हटाने के बाद हमारे पास जो 8x8 इंच का जो हमने फैब्रिक तैयार किया था उस फैब्रिक को लेंगे और इसके भी बीच में से चारों कॉर्नर की साइड में चारों साइड्स में भी हम एक निशान लगा लेंगे। जिस तरीके से उसमें निशान लगाए थे उसमें भी लगा लेंगे ताकि हम निशान को निशान मिलाते हुए स्टिच कर सकें। अब हमें इसको देखिए निशान लगा लिया है। अब हमें इसको उल्टा कर लेना है। उल्टा कर लेने के बाद हमें नीचे वाला ये फैब्रिक लेना है और इसके मार्क्स को मिलाते हुए एक जिप के सेंटर में मिलाएंगे। इसको हम यहाँ से पिनअप कर लेंगे एक बार और जस्ट पिनअप के सामने वाले पार्ट्स में हम इसको यहाँ से जो निशान जहाँ जहाँ हमने निशान लगाए थे बस उसी के निशान को हम यहाँ पर मिला देंगे। जो 8x8 इंच का फैब्रिक लिया है बस उसी को सेट करते हुए हम इसको यहाँ से निशान को निशान मिलाते हुए पिनअप कर लेंगे। देखिए मैंने चारों साइड से इसको पिनअप कर लिया है और इसको हम यहाँ से मैं इसको स्टिच कर लूँगी। देखिए मैंने इसको यहाँ से स्टिच भी कर लिया है। अब स्टिच करने के बाद मैंने ये नॉन वोवन वाला फैब्रिक लिया है और इसको मैं इस तरीके से यहाँ से फोल्ड करते हुए पाइपिंग लगा लूँगी जिससे हमारी अंदर वाली सिलाई ना दिखे। उसके बाद हम इसको पाइपिंग लगाने के बाद इसको सीधा कर लेंगे। आप इसमें फॉर्म का या
और कोई भी बुकरम वगैरह कुछ भी इसको टाइट करने के लिए यूज़ कर सकते हो, लेकिन इसमें जब मैं कार्डबोर्ड का अंदर यूज़ करूँगी तो इसमें कोई भी फोम की या फिर कार्डबोर्ड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और कोई, बस मैं इसमें एक कार्डबोर्ड ही यूज़ करूँगी नीचे बेस के लिए, और आप ऊपर यहाँ डेकोरेशन के लिए आप बटन वगैरह या फिर बटरफ्लाई का यूज़ कर सकते हो। और बच्चों में जो ये सूट के साथ जो हैंगर आते हैं, मैं उस हैंगर का यूज़ कर रही हूँ। आपके पास अगर इस टाइप का हैंगर नहीं है तो आप नॉर्मल जो हमारे सूट के हैंगर होते हैं वो भी आप यूज़ कर सकते हो। मेरे पास ये हैंगर पड़े थे इसलिए मैं ये वाला हैंगर यूज़ ले रही हूँ। उसके बाद मैंने ये फैब्रिक लिया है, ये मेरा डबल करके 8x8 इंच का है। इसको मैंने दो साइड से स्टिच कर लिया, अब क्योंकि एक साइड से मेरा बंद था और दो साइड से मैंने स्टिच कर लिया, यानी हमें टोटल 3 साइड से इसको बंद करना है। बंद करने के बाद हमें इसको इसको पॉकेट की तरह बना लेना है, और पॉकेट बनाने के बाद मैंने इसको ये सीधा भी कर लिया है। ओके, अब ये कार्डबोर्ड लिया है, कार्डबोर्ड मैंने 7x7 इंच का लिया है और इसको इसमें इंसर्ट कर दूंगी। आप अगर आप सीधा कार्डबोर्ड भी यूज़ कर सकते हो इस तरीके से, अगर आप इसमें फैब्रिक में ना डालना चाहो तो कोई ज़रूरी नहीं है, आप सीधा कार्डबोर्ड लेके आप सीधा इसको इस बैग में डाल सकते हो। लेकिन ये इस तरीके से डालने के बाद आप हमारा कार्डबोर्ड ख़राब नहीं होता, और इसको यहाँ से हम स्टिच कर लेंगे। स्टिच करने के बाद हम इस तरीके से इसको जिप को खोल के जो हमारे नीचे हम बेस है उस बेस में हम लगा लेंगे। देखिए मैंने यहाँ पे ये पाइपिंग में लगा ली है, और इस जगह हम यहाँ पर इस कार्डबोर्ड का यूज़ करेंगे, और यहाँ पर ये कार्डबोर्ड का लगाकर इस तरीके से हम इसको सेट कर लेंगे और हम जिप को बंद कर देंगे। बस हमें सिलाई करते हुए यही ध्यान रखना है कि हमारे जिप ऊपर की तरफ बंद हो और नीचे की तरफ खुले। देखिए हमारा ये बन के पूरा तैयार हो चुका है। इस तरीके से हम इसमें कोई भी डेकोरेट कर सकते हैं, और इसको हम कहीं भी अपने हैंग कर सकते हैं अलमारी में या कहीं भी वॉल पे। देखो इस तरीके से हम खोलेंगे और यहाँ पर हम कोई भी अपने जो भी हमें सामान यूज़ करना है हम इसमें यहाँ पर रख सकते हैं। देखिए बनके तैयार हो चुका है, कितना अच्छा लग रहा है। देखिए मैंने एक ऐसा ऐसा एक पीस और बनाया है, ये भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। कलर इसका बहुत ही सुंदर है, ये वाला क्रीम कलर काफ और रेड कलर का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए ऐसा कैसा आप इस तरीके से आप अपने बना के आप इसमें अलमारी में या वॉल पर हैंग कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।